तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप अब किसी के भी WhatsApp स्टेटस को कर सकते हैं डाउनलोड। तो बिना इन्वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, देखते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी के भी WhatsApp स्टेटस को। अब जैसे कि मान लीजिए किसी ने स्टेटस लगाया, तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से पहले WhatsApp में मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ होती है स्टेटस। जैसे Instagram में यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरीज होती है, वैसे ही यहाँ पे WhatsApp में देखने को मिल जाता है स्टेटस। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग स्टेटस में चलते हैं, स्टेटस में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे स्टेटस जो हैं वो लगे हुए हैं। अब इनमें से कोई भी स्टेटस यहाँ पे आपको पसंद आता है, लेकिन आपके पास वो स्टेटस यानी वो वीडियो जो है, कुछ भी चीज़ है, वो आपके फ़ोन गैलरी में नहीं है। अब आप वो किसी चीज़ किसी से मांगते हैं और वो आपको देता नहीं है, या कोई भी हो प्रॉब्लम, तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपको सिंपली अपने फाइल मैनेजर में जाना होगा। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना होगा व्हाट्सएप के जो फोल्डर है ऊपर की तरफ, आप देख सकते हैं व्हाट्सएप का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो जैसे ही हम लोग व्हाट्सएप में जाएंगे, व्हाट्सएप में जाने के बाद यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाती है व्हाट्सएप के बारे में भी, जितने फोटो सेंड करें रिसीव करें। बाकी यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाता है एक स्टेटस व्हाट्सएप का लोगो। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कैश का और डाउनलोड का, यानी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं वो सारे ही स्टेटस जिसने भी यहाँ पे जो जो स्टेटस लगाया हुआ है आपके कॉन्टैक्ट्स में। तो अब यहाँ पे आपको सारे स्टेटस देखने को मिल जाते हैं A to Z। अब आप यहाँ पे जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली नीचे जो डाउनलोड का बटन देखने को मिलता है, तो डाउनलोडेड सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पे डाउनलोड्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी चीज़ आपने डाउनलोड करी हुई है वो आपकी सीधा गैलरी में आ जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप किसी का भी और कोई भी स्टेटस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगा। अगर आपका कोई भी सुझाव तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दिए, बाकी अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दो, और चैनल को ज़रूर शेयर करो इस वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। तो दोस्तों मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।